ए गौरी, खा क्यों नहीं रही? का हो गया तुझे? हमें भूख ना ही। दोपहर भी कुछ नहीं खाया, फिर भूख काहे नहीं? पता नहीं। पता नहीं तो ठीक है, जब भूख लगेगी खुद ही खा लेना। माँ, का है? हमरे परमेश्वर कब आएंगे माँ? क्यों, जब वो बेचारा यहाँ था तो उसे सताती रही, अब ओके जाते ही इतना प्यार कहाँ से बरसने लगा? तब तोहे तोते की तरह रटाया समझाया, तूने कभी सुना? अब भोग अपने करनी। घर तो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी मरम्मत हो जाती तो अच्छा रहता। उसकी फिक्र मत कीजिए, दो तीन दिन में फिट फाट करा दूंगा फर्नीचर के साथ। तीसरे दिन आप सामान लेकर आ जाइए रहने के लिए। ए गोरी, तुझे कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ और तू इधर आके बैठी है। देख कितनी गोलियां लाया हूँ, चल खेले। ये ले, ये तेरे लिए, ये मेरे लिए, आओ खेले। सफर कैसा रहा? ठीक रहा। चलते समय तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, बस में दो जने मिल गए रहे, पूछने लगे कहाँ जा रही हो। तो तूने क्या कहा? बता दिया। बता दिया? क्या बता दिया? यही कि ताऊजी से मिलने हम रामपुर जा रहे हैं। तुम तो बहुत चंट हो। अच्छा गौरी कैसी है, अभी तक कबड्डी ही खेली या कुछ सुधरी? ओ नहीं सुधरेगी, तुम्हारे आने के बाद तो बचपना और भी बढ़ गया, बस बच्चों के साथ हमेशा खेलती रहती है। नहीं सुधरती तो मरे। अच्छा इस बात का ख्याल रखना कि हमने यहाँ तुम्हारा नाम पड़ोस वालों को पद्मा बताया, समझी? समझी। एक औरी, आज चल खोड़े टिक टिक खेले। शाम 5:30 आ जाऊंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। आज रात हम सिनेमा देखने चले? मैंने कहा था ना हमें कुछ दिन होशियारी से रहना पड़ेगा। ठीक है तो मैं चलता हूँ। कमाल है यार, पूरी पत्नी हड़प कर गया और यारों के लिए मिठाई तक नहीं। हाँ तो शादी में आना चाहिए था ना? क्या आना चाहिए था, खुद जाकर काले पानी जैसी जगह पर शादी की और कहता कि आना चाहिए। ब्रदर तुम हमको पार्टी देता है कि नहीं? चलो अभी होटल चलते हैं। वाह क्या बात कर रहा है, अरे जिस पार्टी में भाभी नहीं उस पार्टी का क्या मजा। अरे वो क्या कोई केक पेस्ट्री है जिसके बगैर पार्टी नहीं हो सकती? अबे होश की बात कर, क्या हमें भाभी के दर्शन नहीं करवाएगा?
अपनी सिलेक्शन नहीं दिखलाएगा। अभी बाहर निकलने में वो जरा शर्माती है। तो ठीक है, हम खुद ही तुम्हारे घर चले आते हैं। हाँ, भाभी के हाथ का पका हुआ खाना भी हम खाएगा। नहीं यार, होटल ही ठीक है। नहीं, हमें होटल में नहीं खाना। तो फिर ठीक है, तो घर पे ही अरेंज करता हूँ। पर कब करता है ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। उनसे बस हम बहुत बैठ गए घर में पर्दे की बू बू बनकर। इतवार को हम शहर घूमने चलेंगे, देखते हैं। लेकिन हमें बहुत होशियारी से रहना पड़ेगा। अगर हम दोनों को साथ घूमते हुए गांव के किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो चलो कोई सनीमा दिखाएं। इस समय जाएंगे तो लोगों के देख लेने का खतरा है। अंधेरा होने दो, नाइट शो चलते हैं। जल्दी पड़िए पंचवाई जी। अभी तो मैं छोटे से कमरे में रहता हूँ, तुम क्या कमरे में रहोगे? कमरे में रहा करते थे हमारे स्वर्गीय पिताजी। चिट्ठी पढ़ो। हाँ हाँ, कोई घर मिलते ही आकर गौरी को ले जाऊंगा। मामी जी और मामा जी को मेरा नमस्कार। जीते रहो बेटा। तुम्हारे बिना यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लगता है। हमसे गलती हो गई है तो हमका माफी दे दो। जल्दी आओ, भूलना मत, तुम्हारी गौरी। मामा जी, मामा जी, ये चिट्ठी भेज देना। अरे इसमें पता तो लिखा ही नहीं, किसको भेजना? समझ गया क्या लिखा है। अभी चिट्ठी पाते ही रमेश भागा भागा आएगा। अरे यार, तुमने तो हद की भी लिमिट कर दी। और क्या, एक महीने से लटका रहे हो, उस साली पार्टी का मुहूर्त ही नहीं निकलता। ठहर यार, अगले हफ्ते। अबे अगल बगल कुछ नहीं, देख कल संडे है, हम लोग ठीक 12 बजे तेरे घर पर हाजिर होंगे। हाँ, तुझे जो करना कर ले। ओ यस। डाके बाबू, हमरे भी कोई चिट्ठी आई है क्या? नहीं। सुनो। क्या है? एक बात पूछूं? पूछो। बगल वाले के पास जो फटफटी है ना, वैसी ही फटफटी तुम क्यों नहीं खरीद लेते? वो मोटर बाइक, उसका दाम जानती हो कितना है? कितना? 15,000, मेरे एक साल की तनख्वाह। वो मोटर बाइक ले लिया तो हमें भूखों मरना पड़ेगा। तो फिर उसने कैसे खरीदा? वो ज्यादा कमाता है इसलिए खरीद सकता है। तुम ज्यादा नहीं कमा सकते का? अब तुम्हें मोटर बाइक की जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए कि उस पर बैठ के घूमेंगे। और हम दोनों को साथ घूमते हुए गांव वालों में से किसी ने देख लिया तो? तो क्या हुआ, और कितने दिन ऐसे डर कर रहेंगे? रहना पड़ेगा। छोड़ो, कम से कम कल एक अच्छी सी साड़ी तो ला दो। अरे अभी पिछले ही हफ्ते एक अच्छी सी साड़ी ला के दी थी ना। इतने दिनों बाद एक ही साड़ी ला कर दी, जब देखो उसी को पहनना पड़ता है। अरे अपनी इतनी सी तनख्वाह में मैं और क्या कर सकता हूँ, बोलो। खैर छोड़ो, अगले महीने की तनख्वाह मिलते ही एक और साड़ी ला दूंगा।
जगह तो बहुत खूबसूरत है। क्यों, आपने इससे पहले ऐसी जगह कभी देखी नहीं? वाह, देखा कहीं नहीं। हम बनारस में एक फिल्म देखे थे, उसमें इससे भी अच्छा बगीचा था। अच्छा अब आपका नाम क्या है? बिच पद्मावती। पद्मावती, कहाँ की रहने वाली हैं आप? वो बनारस के पास एक गांव है ना, वहाँ की रहने वाली हूँ। और यहाँ वो दूर के रिश्तेदार है ना, उनके पास आई हूँ शहर घूमने के लिए। अच्छा ये बताइए, अपना ये आपको शहर कैसा लगा? अभी हमने देखा ही कहाँ। तो चलिए हम दिखा देते हैं। फटफटी पे बैठा के ना? हाँ। लेकिन तुम्हारे माँ बाप बुरा नहीं मानेंगे का? मेरे माँ बाप दिल्ली में रहते हैं, और फिर मेरी पसंद तो वो बुरा क्यों मानेंगे? अच्छा, बुरा मानने वाला कोई और? फिलहाल तो कोई नहीं। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। पूरे दिन तुम फटफटी के अंदर आते रहते हो। देखो देखो देखो, फटफटी को अंग्रेजी में कहते हैं मोटरसाइकिल। क्या कहते हैं? मोटरसाइकिल। अच्छा। और मैं होटल में सॉन्ग सिंग करता हूँ। कहाँ सिंग करता हूँ? सॉन्ग, होटल में गाना गाता हूँ। अच्छा। अंग्रेजी में गाने को सॉन्ग कहते हैं। अच्छा, हमें भी थोड़ी सी अंग्रेजी सिखा दोगे? हाँ, बहुत आसान है। अच्छा कहो, I love you. I love you. पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डाके बाबू, डाके बाबू, हम भी कोई चिट्ठी। अरे तुम कब आए, ये पता ही नहीं चला। लगता है तुम कोई बहुत जरूरी सपना देख रही थी। जरूरी तो नहीं, जरूरत वाला सपना जरूर देख रही थी। क्या देखा सपने में? यही कि तुमने फटफटिया खरीद लिया है, हम पीछे बैठे और तुम आगे, और दोनों दंदनाए चले जा रहे हैं। मोटरसाइकिल का भूत अभी तक उतरा नहीं? उतरना कैसा, वो तो चढ़ता ही जा रहा है। और नतीजा ये कि दाल में नमक डालना बिल्कुल ही भूल गई। फिर भी ठीक है, फटाफट खा लो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? यही बात है। बस यही? मैं समझी थी कि तुम कोई नई साड़ी लाए होगी। साड़ी उतारने के वक्त नई साड़ी की बात कर रही है? तुम्हें तो कहा था उस दिन कि तनख्वाह मिलते ही एक नई साड़ी ला दूंगा। क्या करूँ, राशन और किराए में तनख्वाह का पौना हिस्सा चला जाता है। बाकी रुपयों से तुम्हारे लिए साड़ी लाने की सोच ही रहा था, लेकिन घर के एडवांस के लिए जिस आदमी से कर्ज ले रखा था उसको। छोड़ो, ये तो तुम्हारा हमेशा का रोना है। अगले महीने तुम्हारे लिए किसी भी तरह एक नई साड़ी जरूर ले आऊंगा। अब तो थोड़ी देर के लिए शांत रहोगे।